नमस्कार, आईटीआई अपडेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं एक फंक्शन की सहायता से कैसे किसी भी नंबर का क्यूब, स्क्वायर, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये सारे जो छोटे छोटे फंक्शन हैं कैसे यूज़ करना है और कैसे कैलकुलेट करना है जावास्क्रिप्ट कोडिंग की सहायता से, वो दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्यूब निकालना, छोटा सा कोड है, ये दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो हमारे पास है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड हमारे पास है। और आपके पास क्या होना चाहिए? एक ब्राउज़र भी होना चाहिए, चाहे वो गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ये सारे जो भी हो वो चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये टेक्स्ट एडिटर जो सॉफ्टवेयर है ओपन हो चुका है। तो इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट कोडिंग एचटीएमएल पेज में लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपको सेम एचटीएमएल टैग का प्रयोग करना होता है। उसके बाद जैसा एचटीएमएल में होता है, हेड टैग का प्रयोग होता है। हेड टैग के अंदर रहता है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या है? टाइटल होता है पेज का टाइटल। जब इस प्रोग्राम को, स्क्रिप्ट को रन कराएंगे तो पेज जब रन होगा तो वो पेज का टाइटल होता है। जैसे यहाँ पे नोट पैड अन टाइटल, नोट पैड पेज का टाइटल है, उसी तरह इस टाइटल, इसमें इस भाग में जो भी सारे टेक्स्ट टाइप करेंगे वो वेब ब्राउजर का क्या होगा? पेज टाइटल होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ क्यूब कर देते हैं, जो पेज का टाइटल होगा। किस पेज का? वेब पेज का। जब वेब पेज पे रन कराएंगे जब स्क्रिप्ट को, तो ये पेज का टाइटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है? हेड टैग को क्लोज करना होता है, यानी हेड टैग के अंदर रहता है टाइटल टैग। उसके बाद आपको क्या करना है? बॉडी टैग का यूज करना है, और उसके बाद क्या करना है? स्क्रिप्ट टैग का स्टार्ट करना है। स्क्रिप्ट टैग यानी जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करना होता है। इसमें हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम रहेगा क्यूब। क्यूब क्या करेगा? फंक्शन है जो प्रोग्राम को बार बार कॉल करेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना होता है, उसके बाद आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, और ए वेरिएबल को हम कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी की सहायता से। ठीक है, इसकी सहायता से। तो इसके लिए कोड आपको लिखना है डॉक्यूमेंट एम एंटी डॉक्यूमेंट डॉट गेट जी टी गेट एलिमेंट का ई कैप्स में होगा, एलिमेंट आई बाई का बी कैप्स में होगा, और आईडी का आई कैप्स में होगा। ये याद रखना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, इसमें इस तरह से लिखना है, ये मेथड इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद आपको क्या है, एक आपको क्या करना है, आईडी, ये जो वेरिएबल ना, वेरिएबल के एक आईडी आपको यहाँ पे मेंशन कर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ नाम, नाम बोल के एक आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है ये आईडी रहेगा इस वेरिएबल का, क्या नाम या नंबर जो भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद करना है डॉट वैल्यू। ठीक, इस तरह से लिख के आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, रिजल्ट जो दर्शाना है कैसे वो काम करेगा क्यूब। तो यहाँ पे मैं अलर्ट, अलर्ट लिख देता हूँ, और क्या करेगा ये वेरिएबल को 3 बार गुणा कर देगा। सिंपल क्यूब का जो फॉर्मूला है इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, स्क्रिप्ट को भी यहाँ पे क्लोज कर देना है। स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट जो इनपुट, जो गेट एलिमेंट बाई आई डी इनपुट लेगा, तो यहाँ पे इनपुट के लिए आपको 2 लाइन और कोडिंग यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट आई डी इक्वल टू क्या रहेगा, इनपुट आई डी इक्वल टू कौन सा आई डी, ये नाम। ठीक है, ये आई डी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इनपुट आई डी नाम कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बटन का प्रयोग करना है जो प्रोग्राम को बार बार रन कराएगा। तो यहाँ पे लिखना है इनपुट टाइप इक्वल टू क्या आएगा, बटन यू टी ओ
करके इसको भी क्लोज कर देना। और बटन का वैल्यू यानी बटन का वैल्यू यानी बटन का नेम क्या रखना है, तो यहाँ पे मैं बटन का नेम जो रख देता हूँ वो क्यू। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, क्लिक हियर या रिजल्ट जो भी है रख सकते हो, क्यूब रख दो तो सही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, इसको ऑन क्लिक करना है, ऑन सी एल आई ऑन क्लिक इक्वल टू किसको क्लिक करना है, क्यूब को। इसको भी डबल कोटेशन के अंदर रखना है, इसको भी डबल कोटेशन के अंदर रख दिया और इसको भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये आपका कोडिंग बन चुका है। अब क्या करना है, इसको इस टेबल को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको पेज को सेव कर लेते हैं, सेव डेस्कटॉप में सेव कर लेंगे इसको, डेस्कटॉप यहाँ पे लिख देते हैं क्यूब नंबर, क्यूब नंबर डॉट एच टी एम एल बोल के हमने डेस्कटॉप में सेव कर दिया। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और डेस्कटॉप में जाके इसको रन करा लेते हैं। तो ये हमारा कोडिंग रन हो चुका है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर डालेंगे, जैसे 3 डाले हैं यहाँ पे, और उसके बाद क्यूब में क्लिक करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे पेज को और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनपुट नंबर के पहले यहाँ पर लिखना है आपको एंटर ए नंबर और क्यूब, ठीक है। और क्यूब बोल के यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं, फिर इसको भी सेव कर देते हैं। फिर से ब्राउज़र पे चलते हैं, रन करा लेते हैं, रीलोड। आप अच्छा लग रहा है ना, तो अब यहाँ पे फिर एक नंबर में एंटर नंबर और क्यूब यहाँ पे नंबर डालिए, जैसे 4 डाला मैंने, तो 4 का क्यूब यहाँ पर हो जाना चाहिए कितना, 64। तो ये आपका दिस पेज से 64 ही आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया। आप यहाँ पे चाहे तो आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो आपको ये क्यूब का जो फंक्शन है समझ में आ गया होगा। आप इस पेज को और अच्छी बनाने के लिए आप और भी बहुत सारे फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। फिर इसको बी आर करके नीचे भी कर सकते हो ताकि पेज आपका सही दिखे। तो इसको कॉपी करके नीचे कर दो 2-3 बार, ताकि ये फंक्शन जो है थोड़ा पेज के नीचे आ जाए और सही दिखे। रीलोड कर लेते हैं, तो ये आ गया। अब इसको भी नीचे कर देंगे, स्क्रिप्ट को भी नीचे कर देंगे, स्क्रिप्ट को भी नीचे कर देंगे। तो रीलोड कर लेते हैं, एंटर ए नंबर बी आर ठीक है। तो ये हमारा पेज का जो ये है इसको मिटा देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये इसके नीचे कुछ है ही नहीं। सेव कर दिया और फिर से राइट क्लिक करके रीलोड कर लेते हैं। देखो इस तरह से आ गया आपका। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हो, यहाँ पे इसके स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे आप एक टेक्स्ट भी डाल सकते हो, यहाँ पे डाल दो हेडिंग 1 करके डालो, वेलकम टू आवर कैलकुलेट पेज, हेडिंग 1 को क्लोज कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसको सेव कर दो, फाइल को सेव कर देते हैं, फिर ब्राउज़र पे चलते हैं, रीलोड कर देते हैं। तो ये आपका इस तरह से दिखेगा। या आप यहाँ पे क्यूब का नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, नंबर कोई भी डालो, मैंने 5 डाल दिया, तो ये क्यूब आ गया आपका 125, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्यूब फंक्शन को इस तरह से यूज़ करते हो। इस आप जो जितने सारे क्यूब है, स्क्वायर है, सेल्सियस फारेनहाइट है, इस फंक्शन को यहाँ पे जो भी सारे फार्मूलाज है यहाँ पे आपको फूट करना है।
स्क्वायर करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर का यानी दो बार इसका करना है, तो इसको डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट कर देना है। और यहाँ पे क्यूब के जगह आपको लिख देना है क्या, स्क्वायर। क्या लिखना है, नहीं यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फंक्शन नेम है, यहाँ पे स्क्वायर लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दो स्क्वायर, यू आई स्क्वायर निकालने के लिए। फिर इसको सेव कर दो, सेव। अब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर हुआ 25, देखो यहाँ पे क्यूब आ गया का। फिर से देख लेते हैं, रीलोड कर देते हैं, ये हो गया। अब इसमें डाल देते हैं 5, तो यहाँ पे 25 आएगा, तो आपका 25 रिजल्ट आ गया स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप क्यूब भी कर सकते हो, स्क्वायर भी कर सकते हो। तो कोडिंग को अच्छी तरह से आप लोग कॉपी में लिख के, अब कोई भी फार्मूला हो इसकी जगह पे आप पुट कर सकते हो, है ना। वेरिएबल को लेके, वेरिएबल यहाँ पे इनपुट लेगा और वेरिएबल को लेके आप कोई भी जितने सारे फार्मूला है यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे एरिया का हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे आपका सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हो, कोई भी आप फार्मूला यहाँ पे आप लगा दो नंबर को लेके, तो ये रिजल्ट जो है अपने आप आ जाएगा। तो ये रहा आज का कोडिंग, इसको आप लोग सही तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास वीडियो सबसे पहले पहुँचे, और आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो भी कोडिंग है सही से जानकारी हासिल कर सको। रेगुलर इसमें चैनल में वीडियो को अंत तक देखते रहो, ताकि सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो सके। ओके, थैंक यू।